हाउ इज दिस चेंज सेटअप, इसको कैसे ठीक करूं मैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। इट्स टाइम फॉर नवंबर फेवरेट्स। ये साल का आखिरी महीना चल रहा है, मतलब ये साल खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, 2022 हैज़ जस्ट चेंज्ड माय लाइफ इन लॉट ऑफ वेज। बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में और अगले साल तो और ज़्यादा आने वाले हैं। मतलब अगले साल तो आई थिंक लाइफ ही बदल जाएगी, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है मेरी लाइफ में भी। सो लेट्स जस्ट प्रे कि अच्छा जाए, आने वाला टाइम भी मेरा अच्छा जाए। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। आई नो मंथली फेवरेट्स मेरे हर मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये जो लास्ट दो वीक्स रहे ना मेरी लाइफ के, आई थिंक इतना ज़्यादा अप एंड डाउन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। आई कॉन्ट इवन टेल यू, आई थिंक जब पूरी शादी हो जाएगी ना, जब मैं बैठ की वीडियो बनाऊंगी और मैं ब्राइडल लहंगा, तो आप सुनोगे ना स्टोरी, आप खुद ऐसे हो जाओगे, कशिका क्या ही कर रही थी तू, और मतलब क्या हुआ है। एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो कैसा बन के आएगा, बिकॉज जो लोग नहीं पता, जो लोगों को नहीं पता, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर तो मैं ऐसी स्टोरीज डालती रहती हूँ, जिन लोगों को यूट्यूब पर नहीं पता, लेट मी जस्ट टेल देम, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर एंड टाइम काफ़ी कम है, ब्राइडल आउटफिट चाहिए। किसी के पास भी जाओ, कोई जल्दी ब्राइडल आउटफिट बना के नहीं देता है, रेडीमेड वाले मुझे पसंद नहीं आ रहे। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता रही, अभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताना। बट या लास्ट टू वीक्स हैव बीन हॉरिफिक, मतलब मैं इतना रोई हूँ, भटकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो या मैंने लास्ट दो वीक में लिटरली अपना सारा काम साइड पर रख दिया था, मैंने खाली शॉर्ट्स और शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो भी मैं थकी आ रही रात को आती थी, दो तीन बैंड्स थे जिनको मुझे कॉन्टेंट सबमिट करना था, तो मैं उनको शॉर्ट वीडियो बना के दे रही थी जो मैंने उनके साथ करनी है कोलैबोरेशन में। लॉन्ग वीडियो के लिए बहुत टाइम लगता है, सो आई वाज लाइक अब मैं फाइनली फ्री हूँ। यस, बहुत सर से एक बड़ा बोझ उतर गया है मेरा, सो अब मैं फाइनली बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सो या रियली सॉरी फॉर द डिले। अभी आने वाले टाइम में ना थोड़ा सा मेरा प्रायोरिटी देखो चेंज हो रही है, मुझे आई थिंक गिल्टी भी फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स माय वेडिंग यार, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वेडिंग ही होनी चाहिए। बट या मेरा कंटेंट थोड़ा सा अब सेकंड सीट पर आ गया, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको रेगुलर कंटेंट दूं, आपको अच्छा अच्छा सजेशंस भी लेके आऊँ। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके नवंबर फेवरेट्स। नवंबर मंथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो मैंने ट्राई किया, स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट जो मैंने लिटरली एवरी डे यूज़ किया नवंबर मंथ के, अब तो मैं ऑलमोस्ट खत्म भी करने वाली हूँ। और ये बड़ी अजीब सी ब्रांड है, आई थिंक आपको पता भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता थी। ट्रस्ट मी, मैंने ये सिर्फ इसलिए ली थी कि कल का मेरा 75 वाला कोड लग रहा था और मुझे कल पे कुछ और नहीं समझ आ रहा था, मुझे ये दिख गया है, बस एक बीबी क्रीम है, एसपीएफ अच्छी है, रीटच के काम आएगा, तो मंगा ही लेती हूँ। और इसका काफ़ी ऑफ शेड है, सो मैं इसको बड़ा जुगाड़ लगा के यूज़ करती हूँ, बट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। सो ये कोई ब्रांड है, एम परफेक्ट कवर बीबी क्रीम, इसका पूरा नाम है मीशा एम करके ब्रांड है, ये कोरियन ब्रांड है, मैंने गूगल भी किया था। सो ये कल्ट ब्यूटी पर अवेलेबल है, और अगर आपको नहीं पता, कल्ट ब्यूटी पर जब आप फर्स्ट टाइम शॉप करते हो ना एज अ न्यू यूजर, आपको 75% ऑफ मिलता है कार्ड 75 कोड लगा के। सो मैं अलग अलग अकाउंट्स बना के, मतलब सबके आईफोन के नंबर ले लेके ऐसे डिफरेंट अकाउंट्स बनाए, काफ़ी बार शॉपिंग कर चुकी हूँ, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कार्ड पर, आप जाकर देखना, आपको मेरे रिसेंट वीडियोस में भी दिख जाएगी। आप जस्ट आप यूट्यूब पर भी सर्च करो कशिका कल्ट ब्यूटी, आपको दिख जाएगी वीडियो। कल्ट एज इन KULT जो अभी इंडिया में ऐप चल रही है, नॉट CULT वाला कल्ट, वो बाहर वाली वेबसाइट है, मैं कल्ट ऐप की बात कर रही हूँ जो आईफोन ओनली ऐप है अभी। सो मैंने वहाँ से मंगवाई थी, बेसिकली क्या है, ये SPF 42 की PA++ की बीबी क्रीम है, इट इज़ इन द शेड नंबर 23। ये जो ब्रांड है ना मीशा, इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं बीबी क्रीम के, बिकॉज मैं एक्चुअल में गूगल करती हूँ ना, जब मुझे शेड्स नहीं समझ आते मैं गूगल फोटोज पे जाती हूँ, वहाँ पर ब्रांड का नेम टाइप करती हूँ, तो वहाँ पे स्वाचेस आ जाते हैं, तो मैंने वहाँ पर देखा था इनके बहुत सारे शेड्स आते हैं। बट कल्ट पर सबसे बुरी बात यही है, वहाँ पर शेड अवेलेबल ही नहीं है, हर एक प्रोडक्ट के ना कल्ट पर 1-2-3 ऐसे ही शेड अवेलेबल हैं, तो उस टाइम जो अवेलेबल था क्लोज, जो मुझे लग रहा था आएगा, तो मैंने वही ऑर्डर कर दिया। सो ये बीबी क्रीम है, इनोवेटिवली पेयर्स विद मेकअप स्किन केयर, सो ब्राइटन करती है स्किन टोन, रिंकल्स प्रिवेंट करती है, एजिंग प्रिवेंट करती है, ब्लेमिशेस हील करती है, काफ़ी सारे क्लेम हो गए। बट इसका जो मेन कैच था, फाउंडेशन जैसी कवरेज है और SPF 42 है विद PA++, तो काफ़ी बार जब मैं सनस्क्रीन हल्की भी लगा लूँ या प्रॉपर सनस्क्रीन लगाने के बाद भी ऊपर से मुझे अगर एक्ने मार्क्स या कुछ भी एक कवरेज चाहिए, तो एक सनस्क्रीन के साथ मुझे एडिशनल कवरेज भी मिल रही है। मैं अभी नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में गई थी वृंदावन, मैं इसी को लेके गई थी, तो मैंने दोनों बार जब रिटच किया ना, मैंने इसी से रिटच कर लिया था, एक अच्छी कवरेज भी मिल गई थी, जो भी मेरे एक्ने मार्क्स नॉल है, लाइक अभी तो मैंने फुल कवरेज मेकअप किया हुआ है, बट थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स नॉल है, उससे बहुत अच्छी कवरेज मिली थी। एंड SPF 42 है, तो एक SPF भी मिल रही है। और आजकल मैं यही करती हूँ, मैं जब रोज सुबह क्लासेस भी जा रही थी ना, मैंने अपनी नॉर्मल SPF लगाई, उसके ऊपर इसी का ही एक टचअप कर लिया एज अ बीबी क्रीम, एंड दैट्स इट। इसका शेड हल्का सा लाइट है, ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा लगता है वाइट जैसा, तो मैं अपना
मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ उससे फिर मेरा टोन पे आ जाता है. सो लेट मी जस्ट शो यू, इसका बहुत अच्छा कवरेज है, लाइक इसकी फील इतनी अच्छी है ना. सो दिस आवर लुक्स लाइक यू कैन सी एकदम इसकी बीबी क्रीम, मतलब जैसे फाउंडेशन होता है ना ये बिल्कुल वैसा है. द कवरेज अभी यहाँ पे देखो मैंने लाइनर सॉच किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इससे करके देखूंगी. लाइक लुक एट दिस, आई थिंक बहुत कम बीबी क्रीम होती है जो इतनी क्लोज कवरेज देती है, अदरवाइज बीबी क्रीम से तो कवरेज ही नहीं होती. सो इसको इनको बीबी क्रीम नहीं बोलना चाहिए, लिटरली फुल कवरेज सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन ही है विद SPF 42. एक कवरेज भी मिलती है, SPF की SPF मिल जाती है, एंड या आई थिंक इट्स नाइस. अगर इसका मुझे एग्जैक्ट शेड मिलता ना अपना, मैं ट्रस्ट में दोबारा ऑर्डर प्लेस करूंगी. नेक्स्ट अभी जो प्राइमर ये मेबलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन का प्राइमर, मैंने मेबलिन के साथ एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो कोलैबोरेशन में करी थी 3 या 4 मंथ्स पहले, उसमें भी मैंने यही फीचर किया था. नाउ ये वैसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए क्लेम होता है प्राइमर, बट ये मैं आजकल विंटर्स में यूज कर रही हूँ एंड इट इज सूटिंग मी सो वेल, बिकॉज ये एक लौता ऐसा प्राइमर है जो मेरी स्किन को अभी फिलहाल जो ठंड चल रही है ना उसमें एक्सट्रीमली ड्राई नहीं बना रहा है. इसकी बहुत अच्छी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, आप जैसे स्किन में ब्लेंड करते हो एक स्किन स्मूथ तो हो ही जाती है, दो इसकी वो सिलिकॉन जो प्राइमर होते हैं ना वो वाली स्मूथनेस नहीं है, बिकॉज जो सिलिकॉन प्राइमर होते हैं वो तो मतलब लिटरली एकदम ब्लर इफेक्ट देते हैं, ये वैसा वाला ब्लर इफेक्ट नहीं देता. बट ये काफी अच्छा एक नरिशिंग प्राइमर है जो एक स्किन को प्रेप तो कर ही देता है मेकअप के लिए, लेकिन इसकी जो नरिशमेंट है ना उससे मेरी स्किन ड्राई नहीं होती, तो जब मैं इसके ऊपर मेकअप करती हूँ ऐसे फटाफट या क्रैक नहीं होता. सो आई थिंक अगर आप नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन की और आप विंटर्स के लिए स्पेसिफिकली कोई प्राइमर देख रहे हो तो आई वुड से गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट इज अ कॉम्बो रूटीन दैट लिटरली सेव्ड माय स्किन. सो क्या हुआ ना, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 या 3 वीक से मैं अपनी वेडिंग शॉपिंग कर रही हूँ, सो बहुत सारे लहंगे ट्राई किए, मतलब इतने लहंगे मैंने अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं किए थे. हर एक स्टोर में जाके ब्लाउज ट्राई करो, लहंगा तो चलो फिर भी मैं अपनी जेगिंग या जो जीन्स पहनती थी उसके ऊपर पहनती थी, लेकिन ब्लाउज पहनने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स, और काफी बार वो ब्लाउजेस सब ट्राई करते हैं, किसी ना किसी स्किन टच होती है, पता नहीं वो कैसे रखते हैं. तो मुझे काफी ज्यादा ना बैक पर 2-3 बार ट्राई करने के बाद रैशेज हो गए थे, रेडनेस बहुत ज्यादा हो गई थी, बम्पी स्किन हो गई थी, और मुझे अपर थाई पर भी हो गए थे. आई थिंक अपर थाई पर तो मुझे वुलन पजामा की वजह से हुए, बिकॉज मैंने एक वुलन वाला पजामा टाइट्स पहन ली थी और मैंने उसको 2 दिन कॉन्टिन्यूस पहना था, नेक्स्ट डे भी नहीं टाइम था यार, लास्ट 2 वीक्स काफी मेरे ऐसे रहे हैं. सो ऑब्वियसली जब ऐसी गर्म वाली टाइट्स पहन लो तो थाई पर रैशेज हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, बैक पर एक्ने हो जाते हैं, या वैसे भी काफी लड़कियों को बैक एक्ने का इश्यूज होता है, बॉडी पर रैशेज रहते हैं. सो उसके लिए ये रूटीन काफी परफेक्ट है, बिकॉज इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है. ट्रस्ट मी, ये 2 प्रोडक्ट्स ने मुझे बचा लिया उस सेंस में, मेरी स्किन अब काफी अच्छे से हील हो गई है. सो सबसे पहले है बॉडी वॉश. जैसे हमारी स्किन पर एक्ने हो जाते हैं ना, हम फेस पर जब भी कोई कॉमेडॉन्स दाने हो जाते हैं, वी ऑलवेज से सैल्सिलिक एसिड सीरम लगाओ, बहुत अच्छा होता है. इन द सेम वे आपको बॉडी के लिए भी जो आप बॉडी वॉशेज यूज करते हो ना, प्रेफर कि उसमें भी ऐसे केमिकल एक्सफोलियंट हो, एंड दिस बॉडी वॉश बाय डर्माको इज जस्ट परफेक्ट. यह डर्माको का 1% सैल्सिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, ये स्पेसिफिकली बनाया रफ एंड बम्पी स्किन के लिए. इसमें आपको मिलता है सैल्सिलिक एसिड विच इज अ BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. सैल्सिलिक एसिड का तो काम ही है डीप इनसाइड जो भी गंक होता है, जो बैक्टीरिया को कॉज करता है बेसिकली, जो बम्पीनेस होती है उसको हटाने की कोशिश करता है. फिर इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है, इफ यू डोंट नो ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो एक AHA होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है. ये जो टॉप लेवल सर्फेस की जो गंक होती है ना, ऊपर से जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है. इनफैक्ट ग्लाइकोलिक एसिड डार्कनेस और जो पिगमेंटेशन होती है उसको भी फाइट करता है. देन इसमें पेंटाविटिन भी है जो बहुत अच्छी सी नरिशमेंट और हाइड्रेशन देता है स्किन पर. सो एक बैलेंस बना के चलता है. काफी बार केमिकल एक्सफोलियन बेस्ड हम कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हैं स्किन तो ऐसी ड्राई हो जाती है, बट इसके साथ वो कंडीशन नहीं है. आप उसको विंटर्स में भी यूज कर सकते हो, स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी. दिस इज अ सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, डाई एंड मिनरल ऑयल फ्री. इसको कुछ नहीं करना, आप अपने लूफा पर डालो, अच्छे से फोम अप करो एंड जस्ट स्क्रब इट ऑन योर बॉडी, अच्छे से अपनी बैक पर, थाइस पर, जहां पर भी आपको एक्ने इश्यूज है वहां पर तो इसको अच्छे से लगाकर रखो थोड़ी देर. उसको जो लूफा उसको जेंटली यूज करो. अगर आप लूफा यूज करना प्रेफर नहीं करते तो काफी सारे आजकल बाथ वाले स्पंजेस आते हैं, फिर ग्लव्स आते हैं, थोड़े से और जेंटल होते हैं एज कम्पेयर टू लूफा. लाइक अगर आपकी एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन स्किन है, आई वुड से आप वो वाले स्पंजेस प्रेफर करो, उससे अच्छे से मसाज करो एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ. इट लिटरली हेल्प्स टू जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द डस्ट एंड गंग. तो एक तरह से बॉडी का केमिकल एक्सफोलिएटर हो जाता है. सो ये तो हो गया वॉश करने का रूटीन. नाउ बॉडी वॉश यूज करने के बाद ऑब्वियसली नहाने के बाद मेक श्योर यू अप्लाई लोशन एज वेल, बिकॉज एक तो विंटर्स है स्किन ड्राई हो जाती है, प्लस लोशन में भी आप ऐसी केमिकल एक्सफोलियन बेस्ड प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो वो भी आपको अगेन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. एंड फॉर दैट दिस डर्माको लोशन इज जस्ट परफेक्ट. ये डर्माको का 1% सैल्सिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी
सीरम लोशन, ये भी रफ एंड बम्पी स्किन के लिए बना है। इसमें भी आपको मिलता है सैल्सिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जिंक पीसीए जो जेंटली एक्सफोलिएट करता है, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करके चलता है, बॉडी एक्ने के साथ फाइट करता है। इसमें भी आपको पेंटाविटिन एक्वा एक्साइल मिलता है, जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा होता है हाइड्रेशन के लिए। ये काफी लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, स्किन में बहुत जल्दी सिंक इन हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी या एक्सेसिवली हैवी भी फील नहीं होता। आई डोंट लाइक दोस मॉइस्चराइजर जो लगाते हैं ऐसे स्किन पर ग्रीसी ग्रीसी होते हैं, फिर कुछ भी कपड़े पहनो वो भी ऐसे चिप चिप करते हैं, इसके साथ वाला कंडीशन नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर लाइक अ बून फॉर योर बॉडी एक्ने। काफी बार लोगों को विंटर्स में वुलन पहनने की वजह से भी रैशेस हो जाते हैं, बंपीनेस हो जाती है, सो आई वुड से विंटर्स में भी आप ऐसे केमिकल एक्सफोलिएंट बेस्ड बॉडी केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। इन दोनों से स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती, आई कैन एश्योर यू दैट। यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट, मेरा कोड वर्क करता है डर्माको की वेबसाइट पे, विच इज कशिका 2022 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। एंड डू यू नो इफ यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, विच इज अ रियली नाइस इनिशिएटिव। बाय द वे डर्माको जो है वो अब 100% फ्रेग्रेंस फ्री हो गया है, विच इज रियली नाइस। अगर आपकी सेंसिटिव एक्ने प्रोन बॉडी भी है ना तभी भी आपको सूट करेगा, बिकॉज इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको ये अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हो, बट जो कोड है वो खाली डर्माको की वेबसाइट पर चलेगा। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू चेक। नेक्स्ट वी हैव अ परफ्यूम, ये है रेने कॉस्मेटिक्स का डार्क डिजायर परफ्यूम, ये उनका EDP है। बाय द वे यू कैन सी मैंने कितना यूज कर लिया, मैंने पूरे नवंबर मंथ यही परफ्यूम यूज किया है। ये मुझे PR में आया था 2 या 3 महीने पहले, काफी टाइम तक रखा रहा, एंड देन आई वाज लाइक यूज करके देखते हैं। मैंने इसको एक बार यूज किया एंड आई लाइक्ड इट, और आजकल मैं यही यूज कर रही हूँ। मतलब इसकी खुशबू अच्छी है, तो खैर मुझे जुकाम हुआ है तो काफ़ी थोड़ी सी नोज मेरी ब्लॉक्ड है, बट काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट दैट लेमनी, इट्स नॉट दैट जेस्टी, ये वो मीठी वाली खुशबू नहीं है। लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन, मैं खुशबू नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट या इट्स स्लाइटली ऑन द मैनली साइड। जो मेन परफ्यूम में से खुशबू आती है थोड़ी सी मस्की आती है, एक अच्छी खुशबू आती है, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है विच आई पर्सनली लव। सो अगर आपको भी वो फुलवारी वाली मीठी मीठी खुशबू है, फिर बहुत ज़्यादा जेस्टी लेमनी खुशबू नहीं पसंद, आपको बैलेंस पसंद है विद अ टच ऑफ मेन परफ्यूम, गो फॉर दिस वन, यू विल लव इट। ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, मैंने इसको एक महीना मतलब अच्छा सा यूज किया। आई हैव नोटिस कि मेरे कपड़ों में से रात तक खुशबू आती है, सो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग भी है। प्राइस है इसका ओके, दिस इज फॉर 599, बट आई थिंक रहने अमेजोन पर काफी सस्ता मिलता है। अमेजोन एंड नायका पर जब सेल लगती है ना, आई थिंक अमेजोन पर अच्छी डील आती है रहने पे। सो अगर ये मिल रहा होगा ना, मैं नीचे लिंक करूंगी, डेफिनेटली चेक इट आउट फॉर 599 और अंडर ₹500 सेल पर। दिस इज अ रियली नाइस EDP। नेक्स्ट अप वी हैव अ प्रोडक्ट जो पहली बार मैंने खुद पर ट्राई नहीं किया, बट मैं उसको मंथली फेवरेट में इंक्लूड कर रही हूँ, आई टेल यू वाई। सो जब से मैंने अपनी क्लासेस ज्वाइन करी है ना, उसमें हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन तो दी जाती है, प्लस वहाँ पर भी हमें पूरी एक मेकअप वैनिटी मिलती है। वहाँ पर एक पूरी वैनिटी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के प्रोडक्ट होते हैं, लाइक फॉर एवर, मेकअप स्टूडियो, अलग अलग ब्रांड्स के। सो उसमें हमें जो इनिशियल लेवल पर रिकमेंड किया गया था ना, इन बजट जो सब ले भी सकते हैं, और आप अपने अगर छोटा मोटा कोई ब्राइडल फंक्शन कर रहे हो किसी का तो आप उन पर भी यूज़ कर सकते हो, वो था ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। और एक महीने से हम जो भी मेकअप लुक्स किसी और पर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक मैं किसी और पर जो भी मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, मैंने यही वाला फाउंडेशन यूज़ किया है एंड आई लव्ड इट। मैंने 2-3 अलग अलग तरह की स्किन टाइप पर ये फाउंडेशन यूज़ करके देखा है, आई थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसने बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया है। सो अगर आप अंडर ₹1,000 को ऐसा फाउंडेशन देख रहे हो जो आपको एकदम प्रोफेशनल वाइज लुक देना, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। सो फाइनली अब मैंने भी ऑर्डर कर दिया अमेजोन से, ये डेली लाइफ फॉरएवर 52। इफ यू डोंट नो फॉरएवर 52 मेकअप आर्टिस्ट फेवरेट ब्रांड है, काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट फॉर एवर 52 के प्रोडक्ट्स ही लेना प्रेफर करते हैं। ये उनका अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है, दिस आउट लुक्स लाइक। मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, आई ऑर्डर द शेड FLF 007 संडे, दिस इज द शेड। इसका काफ़ी ज़्यादा ना पेल येलो अंडरटोन जैसा फाउंडेशन है, इसका मीडियम सॉर्ट ऑफ बेज और जो येलो अंडरटोन होता है ना वैसा इसका लुक है। मैंने इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज मेरे पास 2-3 फाउंडेशन अपने भी रखे हैं जो लाइट होते हैं और जो डार्क होते हैं, तो मैं मिक्स करके चला लेती हूँ। हमें क्लासेस में भी यही सिखाया है कि आपको खाली 3 फाउंडेशन लेने की जरूरत है, किसी भी ब्रांड में आपको सिर्फ 3 लेने की जरूरत है, एक सबसे ज्यादा डार्क उनका, एक सबसे लाइट वाला जो आइवरी हर एक ब्रांड में होता है, और एक मीडियम। सो उससे क्या होगा, जब आपके पास 3 ये शेड्स होंगे ना, आप इनको अलग अलग रेशियो मिक्स एंड मैच करके किसी भी स्किन टोन का बना सकते हो। सो ऑब्वियसली ये उनके लिए जो दूसरों में मेकअप करना चाहते हैं, जिनको वैरायटी चाहिए स्किन टोन्स की, बट मैंने ये संडे शेड ऑर्डर किया है बस बिकॉज मुझे लगा अगर थोड़ा आगे पीछे होगा, बिकॉज ये उनका मीडियम सॉर्ट ऑफ शेड है, तो अगर लाइटर मिक्स करूंगी डार्कर मिक्स करूंगी तो बन जाएगा मेरा शेड। सो दिस ऑल द फाउंडेशन लुक्स
लुक्स लाइक. मैंने अभी तक प्रॉपर अपने ऊपर ये वाला यूज़ नहीं किया, बट मैंने जिस जिस पर ये ट्राई किया ना, इट टर्नड आउट टू बी ब्यूटिफुल. इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है. सो अगर आप कुछ 800-900 के अंडर देख रहे हो ना, जो आपको अमेजोन पर भी ईजिली मिल पाए और जो बहुत अच्छी कवरेज दे आपके एक्ने मार्क्स के लिए भी, आई वुड से चेक इट आउट, बिकॉज लुक एट दिस. इसकी कवरेज ही अपने आप में बहुत प्यारी है, एक ड्यूइनेस आती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये वो मैट वाला फाउंडेशन नहीं है, जैसे क्रैक होता है ना, सूखा सूखा लगता है. इसकी बहुत अच्छी ड्यूइनेस जैसी आती है, इट्स नॉट वेरी ग्रीसी, लेकिन एक बैलेंस्ड फाउंडेशन है, जो आई थिंक ब्राइडल मेकअप हो, कोई फंक्शन का पार्टी मेकअप हो, तो बहुत ब्यूटीफुली सूट करता है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. मैंने अमेजोन से लिया है, आपको ये नायका पर भी मिलता है, लेकिन अमेजोन पर मुझे डील पर बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था. सो या डू चेक आउट. नेक्स्ट अप वी हैव आई लाइनर्स. वैसे तो मैं खाली ये वाला लाइनर फीचर करने वाली थी, बट मैं अब ये भी करने वाली हूँ. ये मैंने जस्ट अभी टेस्ट किया है. आई नो मंथली फेवरेट वाला तो कंसेप्ट हुआ ही नहीं अगर अभी टेस्ट किया, बट मुझे अच्छा लगा है. सो लाइक चलो एक फीचर कर ही देती हूँ. सो इसकी मैंने जस्ट अभी रील शूट करनी थी. मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना न्यू अभी कलेक्ट करे, जिनके मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर जो मैं रील्स पर डालूंगी. तो आज मैंने ये वाला लाइनर टेस्ट किया, मैंने प्रॉपर अनबॉक्स किया, इसकी रील भी बना ली है, वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में दिख जाएगी. ये प्लम का आई स्वेयर बाय मैट आई लाइनर. दिस इज इन द शेड एक्वा वेव, आई थिंक. या या द शेड इज 03 एक्वा वेव. दिस इज द पैकेजिंग बाय द वे. जस्ट अभी अप्लाई किया है एंड आई लव्ड इट. लाइक लुक एट दिस. वो जब शॉर्ट्स या रील जब भी डालूंगी ना, आप तब तो देख ही लोगे, बट ये बहुत प्यारा लाइनर है. इसका एकदम डिफरेंट सा कलर है, जो बहुत कम ब्रांड्स में देखने को मिलता है. और ये जो कलर है ना, आई थिंक ये ऑल सीजन वाला कलर है, बिकॉज आप इसको विंटर्स में लगाओ, समर्स में लगाओ, ये प्रिटी लगने वाला है. ये आप समर अभी विंटर्स में भी वाइट स्वेटर नॉल के साथ लगाओगे ना, बड़ा प्रिटी लगेगा. आई थिंक आजकल कलर लाइनर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज अब सब ब्लैक ब्लैक लाइनर लगा के बोर हो चुके हैं. अब तो लोग नियॉन पिंक ब्लू पता नहीं कैसे कैसे लाइनर लगाते हैं. सो या दिस इज रियली नाइस. जब ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना, मैंने उसमें लिटरली ऐसे रब किया बहुत देर तक, ये ना ट्रांसफर हुआ ना ये बिल्कुल भी स्मज हुआ. सो डेफिनेटली ये ट्रांसफर प्रूफ भी है, स्मज प्रूफ भी है. और क्या क्लेम था इसका, लाइट वेट है, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है. याद सो या इट इज ऑल दैट क्लेम्स. इसका नीचे प्राइस मिट गया है जब मैंने फाड़ा, बट आई थिंक आपको बहुत अच्छी डील पर मिल जाएगा. प्लम पर मैक्सिमम टाइम ना बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, ऐसी डील चलती रहती है. और प्लम ये वाली डील्स अपने मेकअप आइटम्स पर भी देता है. So I think तब आप इसको definitely ले सकते हो. इसमें दो तीन कलर्स और आते हैं. इस लाइनर इस बार लैक्मे, ये लैक्मे का आइकॉनिक आई लाइनर. ये लैक्मे ने आई थिंक 3 या 4 साल पहले जो करीना कपूर का एड आता था, उसी रेंज का ये लाइनर है, लेकिन मैंने अब जाकर ट्राई किया है. मैं लैक्मे का जो एब्सोल्यूट लाइनर है ना, उसकी एब्सोल्यूट फैन हूँ. मैं उसकी 3, 4, 5 पता नहीं कितनी बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ. दैट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बिकॉज जो लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज है. लाइक वाला लाइनर आता है 400-500 समथिंग का. उसकी ब्रश टिप मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत थिन है, काफ़ी प्रिसाइज इससे विंग बनता है. लाइक लुक एट दिस, काफ़ी पतली इसकी टिप है. इसके कंपैरिजन में इसका टिप आप देख सकते हो कितना पतला स्ट्रोक आया. आप इसको और पतला कर सकते हो अगर आप लाइट हैंड चलाओगे. सो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. ये आपको नायका की सेल पर आई थिंक अंडर ₹150-190 मिली जाता है. सो वेरी वेरी अफोर्डेबल, स्टे भी अच्छे खासे टाइम के लिए करता है. अनदर डिफरेंस जो लैक्मे का एब्सोल्यूट वाला था ना, वो है एब्सोल्यूट शाइन लाइन. तो वाला जो लाइनर है वो थोड़ा सा एक शाइनी लुक देता है, वाइल ये वाला जो लाइनर है ये एकदम मैट है, ये बिल्कुल भी ग्लॉसी लुक नहीं देता. सो अगर आप मैट आई लाइनर्स के फैन हो तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. नेक्स्ट इज अ रीसेंट फेवरेट. एक या दो हफ्ते हुए हैं इसको यूज़ करते हो और आप देख सकते हो मैंने इसको निचोड़ दिया, बिकॉज मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ. आई लव्ड इट. इसने मेरे बायोडर्मा के सीबियम हाइड्रा को रिप्लेस कर दिया, विच इज़ लाइक इररिप्लेसेबल, बिकॉज मुझे अब तक लगता था मेरे सीबियम हाइड्रा को कुछ नहीं रिप्लेस कर सकता, बट दिस इज लाइक द चीपेस्ट ड्यूप ऑफ दैट. मैं एग्जैक्ट ड्यूप नहीं बोलूंगी, बिकॉज स्किन केयर में देखो ड्यूप्स नहीं हो सकते, बट या उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं बोल सकती हूँ. यह डॉटन की ही सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक की स्किन बैरियर रिपेयर फेस क्रीम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे रिसेंटली PR में आई थी. ये प्रोबायोटिक्स है, राइस वाटर है इसमें. दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, जो इसमें लिखा है. बट ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. काफ़ी बार जब हम इसको पढ़ते हैं ना, मैंने इसको अपनी स्टोरीज पर भी डाला था कि आई एम लविंग इट. मैं स्टोरीज पर ऐसे शॉर्ट रिव्यूज डालती रहती हूँ, तो उसमें भी बहुत लड़कियों के रिप्लाई आए थे कि इसमें तो ड्राई लिखा है, वेरी ड्राई लिखा है, आपकी स्किन तो ऑयली है, आपकी स्किन ग्रीसी नहीं होती. देखो विंटर्स में एक तो सबकी स्किन ड्राई हो ही जाती है, मेरी भी स्किन ड्राई हो रही है विंटर्स में, प्लस मेरी जो एक्ने ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रही है उससे भी स्किन थोड़ी सी ना सूख जाती है. सो मेरी तो वैसे भी हल्की हल्की स्किन अभी ड्राई ही चल रही है, बट आई थिंक ये फिर भी इतनी ग्रीसी नहीं है. लाइक काफ़ी बार जो बहुत ड्राई स्किन टाइप के लिए क्रीम्स बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है, ऐसे चिपचिप चिपचिप फील होती है, बट ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है. स्किन में जुक करके चली जाती है, स्किन को एक नरिशमेंट बहुत अच्छी देती है और स्किन मेरी ऐसी ग्रीसी भी नहीं लगती. इसमें 5 एसेंशियल सेरामाइड्स है. सेरामाइड्स आर ब्यूटिफुल फॉर योर स्किन, स्पेसिफिकली अगर आपका स्किन का बैरियर खराब हो गया, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, रेडनेस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, या फिर आपकी एक्ने ट्रीटमेंट्स चल रही है. लाइक मैं रात
आपको एक्ने वाले जेल्स यूज़ करती हूँ जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, तो उनसे भी ना बहुत ज़्यादा पीलिंग हो जाती है, स्किन सूख जाती है, तो मॉर्निंग में उसको बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस आउट करता है सेरामाइड, फिर इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, रिपेयर करता है, सूथ करता है, एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट। बायोडर्मा वाली आती है 1200 या फिर 1300 रुपये की सीबियम हाइड्रा, एंड दिस फॉर 395, और अगर आप मेरा कोड लगाओगे ना डॉटन कीपर कशिका 15, आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा, तो आपको और सस्ते मिल जाएगी, सो वेरी नाइस। आई थिंक मैं आपको एक बार स्वॉच करके दिखाती हूँ, ना ये बिल्कुल भी हैवी फील होती है, गलत जगह कर दिया, ओके लाइक लुक एट दिस, बहुत अच्छा इसका नरिशिंग इफेक्ट है, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होती, सिंकिन हो जाती है, एंड फ्रेगरेंस तो है ही नहीं बिकॉज ये फ्रेगरेंस फ्री है, सो जिनकी भी सेंसिटिव एक्ने स्किन है परफेक्ट फॉर यूज़, क्यों मेकअप करो ना बड़ा सुंदर लगता है बिकॉज ये हल्की सी एक ड्यूइनेस देती है ना, तो उसके ऊपर फाउंडेशन एकदम ऐसे ग्लाइड होता है। आज ही मैंने यही क्रीम यूज़ करी है एंड यू कैन सी फाउंडेशन कितना ब्यूटिफुली ग्लाइड हुआ है, सो या यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड माई लास्ट फेवरेट इज दिस नेल पेंट, ये भी मैंने कल्ट ब्यूटी से ही मंगवाई थी, अगेन वही डिस्काउंट के चक्कर में कि अप टू 2000 रुपीज़ तक का ऑफ मिल रहा है, तो एकदम वसूली कर लो, सो मुझे यही दिखा था सबसे चीपेस्ट आइटम, सो ये है रेवलॉन की कलर स्टे जेल एनवे लॉन्ग वेयर नेल इनामल, क्वान्टिटी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब इमेजेस में लग रहा था ऐसे छोटी सी कोई नेल पेंट होगी, बट ये काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी की आई है, एंड द शेड ऑफ दिस वन इज परफेक्ट पेयर, ये बहुत प्यारा न्यूट सा कलर है, आज मैंने काफ़ी जल्दी में लगाई है तो एक दो जगह ना ऐसे कट से आ गया बिकॉज ड्राई नहीं होने का टाइम दिया मैंने, बट ये बड़ा प्यारा न्यूट कलर, लाइक लुक एट दिस, दिस इज लिटरली लाइक एग्जैक्ट न्यूट जो मुझे पसंद है। सो अगर आपको भी ऐसे ब्राइट चटक नेल पेंट नहीं पसंद, या फिर आप कुछ ऑफिस के लिए देख रहे हो कि लगे भी और ज़्यादा ऐसे ज़्यादा लाउड ना लगे, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस शेड, आई थिंक काफ़ी डिसेंट शेड है जो एक न्यूड की लुक भी देता है आपके नेल्स को, एट द सेम टाइम आपके नेल्स ऐसे बिल्कुल बेयर नहीं लगते कि कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सो एक काफ़ी क्लोज न्यूड कलर है जो एकदम नो मेकअप मेकअप लुक जैसे हम स्किन के लिए करते हैं ना, वैसे ये नो नेल पेंट आप बोल सकते हो, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई थिंक आई मेड सेंस, मतलब एकदम नेल पेंट भी है लेकिन एकदम न्यूड वाली लुक दे रही है, सो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। सो दैट इज इट फॉर माई मंथली फेवरेट्स, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट। इसके अलावा डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, बहुत सारे स्टोरीज पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है फ्रॉम एवरी अदर फील्ड, आई थिंक आजकल जो मैं वेडिंग शॉपिंग भी कर रही हूँ मैं उसकी भी स्टोरीज डाल रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी देयर एज वेल फॉर मोर लाइफ अपडेट्स, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।